भारत के अलग अलग व्यापारियों से माल सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले दो अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों को कमिश्नरेट आगरा की साइबर सेल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसीपी हरिपर्वत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह लोग अब तक 100 और 150 व्यापारियों से 14 से 15 करोड़ रुपयों की ठगी कर चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो सचेत हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ठगी के शिकार हो जाएं। जी हाँ, भारत में अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट बेचकर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दो विदेशी नागरिकों को कमिश्नरी डागरा की साइबर सील टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बताते चलें कि भीमराज इंडस्ट्रीज लॉजिस्टिक्स मल्टीपार्क हब नाम से फर्जी वेयर हाउस चलाने वाले दो अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिक कमिश्नरी डागरा की साइबर सेल के हत्थे चढ़ गए हैं। एसीपी हरिपर्वत ने बताया कि अब तक यह लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में से 100 से 150 व्यापारियों से 14 से 15 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। देखिए, साइबर थाने पर मुकदमा संख्या 9/24 रजिस्टर किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उन्हें कुछ जूट के बैग की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया तो उन्हें एक भीमराज इंडस्ट्री नाम की फर्म मिली, जिसे संपर्क करने के बाद इंडस्ट्री ने उन्हें ऐसा वादा किया कि उन्हें सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी के जूट बैग देगी, जिसके द्वारा फर्म द्वारा उनसे लगभग 8 से 9 लाख रुपए लिए गए और कोई सामान सप्लाई नहीं किया गया। जब साइबर थाना टीम को ये तहरीर मिली, उसके बाद जांच शुरू हुई। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि साइट कौन ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, तो जानकारी मिली कि गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले दो कैमरून मूल के निवासी जो बेसिकली ये फर्म के नाम से ऑपरेट करते थे और अलग अलग लोगों से अलग अलग बातों का झांसा देकर ये बेसिकली इस तरह का फ्रॉड करते थे। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। कमिश्नरी डागरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के बलोखरा गांव के रहने वाले खाद उर्वरक व्यापारी राजीव पालीवाल ने बीते दिनों कमिश्नरी डागरा पुलिस से शिकायत की। उन्होंने लूट के 38,000 बैग की डिलीवरी के लिए ऑनलाइन कंपनी सर्च की थी। माल की कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए थी। उन्होंने 4,52,200 रुपए की पहली डील के साथ 2,26,100 रुपए कंपनी के खाते में डाले और माल डिलीवरी का इंतजार करते रह गए। पकड़े गए दोनों अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों ने राजीव पालीवाल खाद उर्वरक व्यापारी से ठगी की, जिसकी शिकायत साइबर सेल टीम ने की तो जांच में सामने आया कि दोनों ठग उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 17A रह रहे हैं, जो अलग अलग नाम से ऑनलाइन कंपनी चलाकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। कुछ हमें चैटें मिली हैं इनकी फोन से, जिससे पता चला है कि ये कॉपर, एल्यूमिनियम और भी अनेक वस्तुओं के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि लगभग 14 से 15 करोड़ का तो इन्होंने जो धोखाधड़ी है अलग अलग लोगों के साथ किया गया है। इनके पास से एक ओडी कार, लैपटॉप, फोन, राउटर और 3 सीले बरामद हुई है, जो कि फर्म का यूज करते थे और ये दोनों ही रहने वाले कैमरून के। कमिश्नरी डागरा की साइबर सेल टीम ने दो अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम अकुम्बे पोमा और माइकल बुनेमा है। इनमें पुलिस ने अपराध करके कमाई गई ओडी कार, लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई डिवाइस और अन्य सामान भी बरामद किया है। साथ ही साथ इन लोगों ने जिन व्यापारियों के साथ ऑनलाइन ठगी की है, उन व्यापारियों की चैट भी पुलिस को बरामद हो गई है। देखिए, कैमरून में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस कारण यूएन रिफ्यूजी कार्ड प्रोवाइड करती है, इंडिया भी उसका मेंबर है, तो उसी के आधार पर ये लोग एजुकेशन के लिए इंडिया में आए थे और अभी ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 17A में रह रहे थे। ये जो हमारे जो दो लोग आपके सामने आप देख सकते हैं, इनमें से एक व्यक्ति पिछले 6 महीनों से इंडिया में है, जो इनके द्वारा बताया गया, दूसरे व्यक्ति लगभग 3 साल से इंडिया में रह रहे हैं। अभी माननीय न्यायालय के सामने इन्हें प्रस्तुत किया। देखिए, अभी तक जानकारी में यही दो लोग हमें सामने आए हैं, बाकी एफएसएल को इनकी डिवाइसेस भेजी जा रही हैं। जो भी सूचनाएं आगे हमें मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा ही ऑपरेशन हमारी साइबर थाना टीम और सर्विलेंस टीम ने किया है और इसमें बहुत मेहनत और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने नैरो डाउन करके इन लोगों को। पुलिस इन दोनों की विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की भी जाँच कर रही है। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि इन दोनों के अलावा इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। मून न्यूज के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।